फ्लटर ग्रिड व्यू। इस टॉपिक को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल ऐप हम आज इस वीडियो में क्रिएट करेंगे, जिसमें हम ऑनलाइन कोर्सेज को ग्रिड व्यू की मदद से डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और मेरे वीडियो को अगर पहली बार कंज्यूम कर रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कोडिंग से रिलेटेड बेस्ट वीडियोज आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, तो सब्सक्राइब तो डेफिनेटली बनता ही है। अब गाइस, स्क्रीन पर चलने से पहले मैं आपको ग्रिड व्यू का एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ, जो चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख रहे हैं कि ग्रिड व्यू डॉट काउंट के अंदर चार चीज़ें मैंने ऐड की हुई है। ठीक है, क्रॉस एक्सिस काउंट, क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग, मेन एक्सिस स्पेसिंग एंड चिल्ड्रन, ये चार चीज़ों से ये ग्रिड व्यू क्रिएट होते हैं। ठीक है, अब इसमें से क्रॉस एक्सिस काउंट मतलब क्या, कि ग्रिड व्यू में आपको कितने बॉक्स साइड बाय साइड चाहिए। हमने अभी क्रॉस एक्सिस काउंट को 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो दो बॉक्स हमें साइड बाय साइड दिख रहे हैं फर्स्ट रो में, सेकंड रो में अगेन हमें दो बॉक्स दिख रहे हैं, तो दो बॉक्स यहाँ पे दिखेंगे। ये कितने एलिमेंट्स हमें एक रो में चाहिए, ये हम डिनोट करते हैं क्रॉस एक्सिस काउंट से। ठीक है, अगर मैं क्रॉस एक्सिस काउंट यहाँ पे 3 दे देता हूँ, तो 3 एलिमेंट्स यहाँ पे ग्रिड व्यू में दिखेंगे। ठीक है, 3 बॉक्स एक रो में दिखने चालू हो जाएंगे। फिर होता है क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग। अब ये जो दो बॉक्स साइड बाय साइड बने, इसके बीच में कितनी स्पेसिंग होना, ये हम डिनोट कर सकते हैं क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग से। वैसे ही मेन एक्सिस स्पेसिंग मतलब क्या, कि फर्स्ट रो और सेकेंड रो के बीच में जो स्पेसिंग है उसको ऐड करने के लिए हम मेन एक्सिस स्पेसिंग यूज करते हैं। आप देख सकते हैं कि रेड कलर की लाइन से मैंने उस स्पेस को डिनोट किया है, तो वो स्पेस ही रहती है मेन एक्सिस स्पेसिंग। उसके बाद है चिल्ड्रन, कि ग्रिड व्यू में आपको क्या क्या डेटा डिस्प्ले करना है, वो हम चिल्ड्रन की मदद से डिस्प्ले कर सकते हैं। अब गाइस, सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और प्रैक्टिकली इस ऐप को क्रिएट करते हैं, और देखते हैं कि किस तरीके से ग्रिड व्यू की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया जाता है। अब गाइस, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरीके का ऐप हम क्रिएट करेंगे। तो ये है ऐप जो आज हम क्रिएट करने वाले हैं। इसमें स्क्रोल व्यू वगैरह सब ऑटोमेटिक हैंडल हो जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक है ऐप बार, ठीक है, एक बटन ऐप बार में। यहाँ पर ये ग्रिड व्यू के थ्रू मैंने ग्रिड काउंट दिया हुआ है जो है 2, जिसके थ्रू हमने ये डिस्प्ले किया है। इस बॉक्स में एक इमेज और एक टेक्स्ट विजेट है, ठीक है, और यहाँ पर एक टेक्स्ट विजेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टेक्स्ट विजेट है और एक ग्रिड व्यू है। ठीक है, ये पूरा एक ग्रिड व्यू है। तो दो चीज़ों को एक के नीचे एक ऐड करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉलम विजेट। ठीक है, तो सारे विजेट्स का कॉम्बिनेशन आज इस ऐप में हम यूज़ करके इसको क्रिएट करेंगे। अब अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखा है, जिसमें हमने फ्लटर फायरबेस को एक्सप्लेन किया था, तो उसी का ही कंटिन्यूएशन हम इस ऐप में करेंगे। ठीक है, तो लॉगिन के बाद हम आए थे होम स्क्रीन पर। अब उस होम स्क्रीन पर हम ये चीज़ें डिस्प्ले करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको होम स्क्रीन डॉट डार्ट में आना है। ठीक है, ये इसको हम पूरा स्क्रैच से क्रिएट करेंगे, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आप विजुअल स्टूडियो में इसको रन कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, वहाँ पर भी सब चीज़ें सेम ही रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं कि किस तरीके से ऐप को क्रिएट करें। सबसे पहले हमको एक स्टेटफुल विजेट लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे STFUL लिखूँगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे होम स्क्रीन। पैकेजेस यहाँ पर इम्पोर्ट कर देते हैं, इम्पोर्ट पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक स्कैफोल्ड क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम एक ऐप बार ऐड करेंगे। ऐप बार के अंदर हमें दो चीज़ें चाहिए, एक टाइटल और एक बटन। ठीक है, टाइटल मैं दे देता हूँ कोडजीफाई कोर्सेस, और बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देते हैं ब्लैक कलर का। ठीक है, क्योंकि यहाँ ब्लैक कलर हमें चाहिए, तो कलर्स डॉट ब्लैक हम यूज़ करेंगे। और एक साइन आउट बटन चाहिए हमें यहाँ पे, तो साइन आउट बटन का एक्शंस भी ऐड कर ही देते हैं इसमें। ठीक है, तो उसके लिए हम जेस्चर डिटेक्टर यूज़ करेंगे, और उसके ऑन टैप इवेंट पे हम लोग फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट साइन आउट। ठीक है, और अगर लॉग आउट हो गया यूज़र, तो उसको हमको लॉगिन स्क्रीन पर सेंड करना है। तो राउट नेम हमने सेट कर दिया है लॉगिन यहाँ पे इस तरीके से, और चाइल्ड में हम एक आइकन ऐड कर देते हैं, जिसको हम बोलेंगे लॉग आउट आइकन। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक ऐप बार जो था वो क्रिएट हो जाएगा इससे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक।
इस एक्शंस को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके इसमें फायरबेस इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको एरर्स वहाँ पे थ्रो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए पैकेजेस वगैरह हमने इंस्टॉल किए थे तो वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी होगी, तो आप इसको बेसिकली स्किप कर सकते हैं अगर आप ग्रिड व्यू का ही एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको रहने देता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बॉडी कैसे क्रिएट करेंगे। बॉडी में हम लोग एक कॉलम विजिट ऐड करेंगे जिसमें हमें दो चीज़ें चाहिए, तो चिल्ड्रन के मदद से हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। हमें दो चीज़ें चाहिए, एक होना टेक्स्ट टेक्स्ट विजिट और एक होना ग्रिड व्यू, ठीक है। तो टेक्स्ट विजिट को कैसे ऐड करेंगे, टेक्स्ट हम देंगे उसको वेलकम यूज़र, और उसकी स्टाइल सेट कर देंगे टेक्स्ट स्टाइल की मदद से। उसमें मैं उसको दे दूंगा फॉन्ट साइज़ हम देते हैं उसको 32, ठीक है। उसके बाद उसका फॉन्ट वेट हमें लगेगा, फॉन्ट वेट में उसको बोल्ड कर देता हूँ मैं, और इसको हमें पैडिंग प्रॉपर देना होगा, तो इसको यहाँ पे शो कॉन्टेक्स्ट एक्शंस में रैप विथ पैडिंग हम करेंगे, ठीक है। और पैडिंग मैं इसको दे देता हूँ 16। ये रिफ़्रेश हो रहा है अभी ऐप, यहाँ पे ऐप बार हमने क्रिएट कर लिया और यहाँ पे एक टेक्स्ट विजेट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब देखते हैं कि ग्रिड व्यू को कैसे ऐड करें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, हमें कॉलम विजेट में एक और एलिमेंट ऐड करना है जिसको हम बोलेंगे ग्रिड व्यू, ठीक है। उसको हम ऐड करेंगे एक्सपांडेड में ताकि आपको कोई इशू नहीं जाए उसमें। एक्सपांडेड के अंदर हम ऐड करेंगे ग्रिड व्यू डॉट काउंट जैसे हमने देखा था, और इसके अंदर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। ग्रिड व्यू में हमें कितने एलिमेंट्स चाहिए, हमें चाहिए दो एलिमेंट साइड बाय साइड। उसके बाद हमें क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग चाहिए जो हम दे देंगे 10, ठीक है। और हमें मेन एक्सिस स्पेसिंग चाहिए जो भी हम दे देंगे 10, ठीक है। तो राइट साइड में भी स्पेसिंग 10, दो एलिमेंट्स के बीच में, और नीचे भी दो एलिमेंट्स के बीच में स्पेसिंग 10, ठीक है। उसके बाद में ऐड होगा चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से मेथड मैं बनाऊंगा जो ग्रिड व्यू में जो बॉक्स के अंदर डिटेल्स है इमेज और उसका टाइटल, वो चीज़ें हम ऐड करेंगे इस मेथड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से मैं दो पैरामीटर्स पास करूँगा, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी डिस्प्ले करना है और उसकी इमेज का पाथ, ठीक है। तो इमेज मैंने एसेट्स में इमेजेस के अंदर ये ऐड की हुई है, ठीक है। तो उसी इमेज का यूज़ करके मैं यहाँ पे उसको डिस्प्ले करूँगा। सिमिलरली मुझे यहाँ पे और कोर्सेज भी ऐड करने हैं जिसको मैं बोलूँगा C++, एक होगा फ्लटर, एक पाइथन, एंगुलर, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये चीज़ें हमें ऐड करनी है, ठीक है। इमेजेस के नाम देखिए, आप यहाँ पे अगर आपके इसमें इमेजेस ऐड नहीं है तो एसेट्स के अंदर यहाँ पर आप इमेजेस फोल्डर क्रिएट करके उसमें आपको जो भी इमेज ऐड करना है आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड कर सकते हैं। अब इन सबके इमेज के नाम मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। फ्लटर के लिए इमेज मैंने ऐड की हुई है flutter.png, पाइथन के लिए मैंने ऐड की हुई है python.jpg, एंगुलर के लिए angular.png है, और css के लिए css, यस। एंड javascript के लिए हम यूज़ करेंगे javascript.png। अब ये मेथड क्रिएट करने के लिए हमें आना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे विजेट बिल्ड कोर्स कार्ड, और उसमें हमें दो चीज़ें चाहिए, एक टाइटल हमें पास करना है और एक इमेज, ठीक है। इमेज भी नहीं, उसका इमेज पाथ हम बोलेंगे। अब इसमें हम रिटर्न करेंगे एक कार्ड को, ठीक है। उस कार्ड के अंदर हमें दो चीज़ें चाहिए, एक इमेज और एक उसका टाइटल। तो उसके लिए हमें एक कॉलम लगेगा, राइट। तो कॉलम विजिट के अंदर हम चिल्ड्रन ऐड करेंगे, उसके अंदर एक इमेज, तो इमेज के लिए मैं बोलूँगा इमेज डॉट एसेट, और जो भी हमारा इमेज का पाथ आएगा ना ऊपर से यहाँ से वो हम यहाँ पे कैच करेंगे, इमेज पाथ मैं बोलूँगा।
और उसकी हाइट आप सेट कर सकते हैं, हाइट इमेज की हम बोलेंगे 100, उसकी विड्थ विड्थ भी 100 ही दे देते हैं। और इमेज आपको कैसे फिट करनी है, तो बॉक्स फिट डॉट कवर हम करेंगे, ठीक है, तो वो पूरे बॉक्स में वो कवर हो जाएगी। उसके बाद में आपको ऐड करना है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप सिंपली टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, और जो भी यहाँ पे टाइटल आ रहा है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है, राइट। तो यहाँ पे हम टाइटल दे देंगे और उसकी स्टाइल कर देते हैं प्रॉपर। तो स्टाइल में हम टेक्स्ट स्टाइल की मदद से जो भी उसका फॉन्ट साइज़ आपको सेट करना है आप कर सकते हैं, 22 हम ले लेंगे, और फॉन्ट वेट हम यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं उसको, ठीक है। अब इसको पैडिंग प्रॉपर कर देते हैं, इसकी पैडिंग पैडिंग हम 8 दे देते हैं। इसको रन करके देखते हैं अभी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐप आ चुका है। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये इन दो एलिमेंट्स के बीच में ये जो एक टेक्स्ट विजेट है और ये जो एक पूरा ग्रिड व्यू है हमारा, इन दो एलिमेंट्स के बीच में यहाँ पे स्पेसिंग अगर हमें ऐड करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं पैडिंग ग्रिड व्यू के लिए भी, ठीक है। तो ये जो ग्रिड व्यू हमने क्रिएट किया है यहाँ पे, इसको भी मैं पैडिंग में रैप कर देता हूँ। पैडिंग इसको मैं थोड़ी ज़्यादा दे देता हूँ ताकि प्रॉपरली वो स्पेसिंग अवेलेबल हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना इजी है ग्रिड व्यू को इंप्लीमेंट करना। बस आपको बेसिक नॉलेज रहना चाहिए कि कितने एलिमेंट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं 3 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 3 एलिमेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले होने लग गए, ठीक है। तो जनरली 2 एलिमेंट्स ही रहते हैं एक इसमें, और ग्रिड व्यू में ऑटोमेटिक स्क्रोल व्यू आपको यहाँ पे मिल जाता है। वही अगर आप सिल्वर ग्रिड व्यू का अगर यूज़ करते हैं तो उसमें आपको कस्टम स्क्रोल व्यू का यूज़ करके आपको चीज़ों को करना होता है। तो आई होप कि आपको ग्रिड व्यू का अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली आ चुका होगा। अब यहाँ से अगर लॉग आउट करेंगे तो हम हमारे लॉगिन स्क्रीन पर आ जाएंगे, ठीक है। ये अगर एपिसोड आपने नहीं देखा है तो आप पूरा देख सकते हैं, उसमें हमने प्रॉपर फॉरगॉट पासवर्ड को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे कवर की थी। फॉरगॉट पासवर्ड, यहाँ से आपको फॉरगॉट पासवर्ड करने पे ईमेल भी आ जाता है, साइन अप कैसे करते हैं वो सब चीज़ें हमने कवर की हुई है, ठीक है। आई होप कि ग्रिड व्यू से रिलेटेड जो भी डाउट्स आपके होंगे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और पहली बार अगर कोडजीफाई यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। एंड गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।